नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज सरकारी बैंकों में थी जबरदस्त तेजी। और साहब, जब सरकारी बैंकों में तेजी होती है ना, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि सर आखिर ऐसा क्या हो गया कि सरकारी बैंकों को आखिर पढ़ निकल आए, ये तो साहब रफ्तार पकड़े हुए, ऐसा हो गया, फलाना हो गया। कैनरा बैंक को देखिए, BOI को देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा को देखिए, इंडियन बैंक को देखिए, 190। यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों, सरकारी बैंकों में आज एक जबरदस्त तेजी थी। इसके विपरीत बाजार हमारा लास्ट में डाउन हुआ। उसके बाद भी साहब, जो ये PSU बैंक इंडेक्स था ना, ये 2 या 3% ऊपर था, क्या कहने साहब। तो एक जबरदस्त तेजी का माहौल था, और तेजी का कारण दोस्तों ये था, मैं आपको बता दूं। वैसे तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, और हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि PSU बैंक में जो तेजी हो रही है उसके पीछे सरकार की बहुत बड़ी प्लानिंग दोस्तों काम कर रही है। इस चीज को आपको समझना है। अगर सरकारी बैंक नीचे आ रहे हैं तो बाय करनी ही करनी है भैया, ऊपर जा रहे हैं तो अगर आप उनको होल्ड नहीं कर सकते, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए। अगर आप होल्ड कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आने वाले समय में यहां ठहरने वाले नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि रैली यहीं तक है बस, इसके आप ऊपर नहीं जाएगा, तो ये आप गलत सोच रहे हो। अभी तो कहानी शुरू हुई है, ऊपर नीचे होते रहेंगे दोस्तों। अब ऊपर चले गए, मान लिया, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अगर इंडियन बैंक 190 चला गया है तो अब क्या होगा, गिरावट में कितना आएगा, 170 या 75। अब ऐसा कोई है कि 140 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, नहीं, गिरावट कम होगी, अपसाइड बहुत अधिक होगी, क्योंकि इसके पीछे कहानी है दोस्तों। मैंने आपको बता रखा है, कल भी एक खबर आई थी साहब, जो हमारे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री है कराड़ जी, उन्होंने कहा था कि शायद सरकारी बैंकों का निजीकरण संभव ना हो। शिमला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो अपनी मेरे ख्याल से बात कह रहे थे, ट्रिब्यून के हवाले से ये खबर छपी थी, और इस खबर के साथ बड़े मायने निकल के सामने आ रहे हैं। जब प्राइवेट नहीं होंगे ये बैंक, यानी कि जिस दो बैंकों की सरकार निजीकरण की बात कर रही थी, जब निजीकरण ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा। मैंने बता रखा है कि जब निजीकरण नहीं होगा तो साहब ये बैंक जो है बहुत बड़े रूप में निकल के सामने आएंगे आपके सामने, बहुत बड़े। छोटे छोटे बैंकों का दोस्तों बड़े बड़े बैंकों में विलय हो सकता है। कोई बैंक किसी भी बैंक को साहब बाय कर सकता है, अधिग्रहण कर सकता है। ये चीज आप मान के चलिए, ये चीज आप सोच के चलिए कि जो मर्जर प्लानिंग सरकार सरकारी बैंकों में लेके चल रही है ना, आपको बताएगी नहीं, प्राइवेटाइजेशन की खबरें आपको उलझा के रखेंगी। अगर ये प्राइवेटाइजेशन की खबरें ना आए ना, तो इनके शेयर्स में साहब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो साहब अभी मर्जर की खबर ना आए कोई बात नहीं, लेकिन प्लानिंग मर्जर के अनुसार हो रही है, ये बात आप मान के चलिए। तो एक बहुत बड़ी प्लानिंग दोस्तों सरकार इन सरकारी बैंकों के लिए कर रही है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इन सरकारी बैंकों के शेयर्स अगर आपके पास हैं तो इनको होल्ड करके रखिए। नीचे के लेवल पे है तो होल्ड करके रखिए। अगर आपको सोच रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप अपने व्यूज रखना चाहते हो, यानी कि आप अपनी सोच के अनुसार काम करना चाहते हो, तो ऊपर के रेट पे अगर ये जाते हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे अब भी ये कह रहा हूं, इस वीडियो के माध्यम से भी ये कह रहा हूं कि साहब सरकारी बैंकों में अपॉर्चुनिटी बहुत जबरदस्त है, बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे दोस्तों ये इंडियन इकोनॉमी के लिए सरकारी बैंक। तो इन चीजों को आपको समझना चाहिए। आर्टिकल में समय समय पर अपने टेलीग्राम चैनल पर लगाता रहता हूं, उनको पढ़िए कि किस तरह का कायाकल्प हो सकता है सरकारी बैंकों में, कहां कहां सरकारी बैंकों की ब्रांचेस खुल सकती हैं, मर्जर के बाद ये कितने बड़े बैंक हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी बहुत है, सिचुएशन थोड़ी सी अभी अनुकूल नहीं है, बस ये है एक प्रॉब्लम। देखिए, पहले साहब कोरोना से लड़े, कोरोना के बाद साहब महंगाई के बाद साहब अब सूखा, देख रहे हैं ना हालात। तो देखिए, वर्ल्ड के हालात देखने और समझने की कोशिश करिए दोस्तों, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर विश्व में साफ सूखा है, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी, तो ऐसा नहीं है कि वो दिक्कत परेशानी सिर्फ विश्व में, भारत पे भी साफ उसका असर पड़ेगा। और इसी चीज को सोचते समझते हुए आपको ये जो सरकारी बैंक है इनको हर डिप पे बाय करना है, और जब स्थिति सही होगी, नॉर्मलाइज होगी, तो डेफिनेटली ये स्टॉक ऊपर जाएंगे। और नहीं कर सकते, आपके पास विकल्प एक ही है, नीचे अगर ये सरकारी बैंक आते हैं तो इनको साफ बाय करिए, ऊपर जाते हैं तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए करिए। और साहब इन सरकारी बैंकों को अपने पोर्टफोलियो में इकट्ठा करिए, यानी कि मेरी रणनीति पे काम करिए और इन सरकारी बैंकों को अपने पोर्टफोलियो में इकट्ठा करते रहिए। नीचे आए बाय करिए, ऊपर जाए सेल करिए, क्योंकि दोस्तों निजीकरण इसमें संभव होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सिर्फ मर्जर से ही साहब ये सरकारी बैंक बहुत बड़े बैंक बन के उभरेंगे। और साहब जो कहानी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है
वो तो इनकी कायाकल्प ही बदल देगी। बैड बैंक हो गया या एनपीए रिकवरी हो गई, वो पिछली कई वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। तो सरकारी बैंकों में रैली का कारण दोस्तों एक ही है कि प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण होता हुआ अब उम्मीद नहीं है। और हर बार मैं आपसे यही कहता आ रहा हूं, और आने वाले समय में अगर निजीकरण नहीं होता तो मर्जर के द्वारा इन सरकारी बैंकों की किस्मत बदलने वाली है। तो इनके स्टॉक आपको होल्ड करके रखने हैं। अगर नहीं रख सकते, वही साहब दोबारा रिपीट प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए और मुझे आगे दीजिए आज का वीडियो समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार फाइनली। नमस्कार नमस्कार।